ओम शांति। आज की तारीख है 2/6/15। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला सबक पाठ है मैं आत्मा हूँ। हाँ, पहला पाठ है मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्म अभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। हाँ, यदि बाप की याद को निरंतर अपने दिल में बसानी है तो क्या करना पड़े, स्थिति हमारी देही अभिमानी बनानी पड़े। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर है, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। हाँ, सबसे बड़ा खुशी का खजाना जो सिर्फ हम संगम युगी ब्राह्मणों के पास ही है, और वो है कि हमें ये ईश्वरीय पढ़ाई स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। तो बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। धारणा के लिए मुख्य दो बातें, नंबर एक है, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रियों को वश में करना है, एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है, सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। नंबर दो है, बाबा कहते हैं कि सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। हाँ, सकारात्मक बात देखो, बाबा पहले बताते हैं कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये दुख की दुनिया अब बदलनी है, तो ये भी खुशी की बात कि दुख की दुनिया बदलेगी, और ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। सतगुरु बाप का वरदान है, न्यारे और प्यारे बनने का राज जानकर राजी रहने वाले राजयुक्त भव। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे प्रवृत्ति में रहते न्यारे और प्यारे बनने का राज जानते हैं, वो सदा स्वयं से राजी रहते हैं, प्रवृत्ति को भी राजी रखते हैं, साथ साथ सच्ची दिल होने के कारण साहेब भी सदैव उन पर राजी रहता है। कौन सा साहेब? जो सच्चा साहेब, हाँ, जिसको कहते हैं ट्रुथ, तो गॉड इज ट्रुथ, तो स्वयं भगवान भी राजी रहता है। ऐसे राजी रहने वाले राजयुक्त बच्चों को अपने प्रति व अन्य किसी के भी प्रति किसी को काजी बनाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वह अपना फैसला अपने आप कर लेते हैं, इसलिए उन्हें किसी को भी काजी, वकील या जज बनाने की जरूरत नहीं। स्लोगन है, सेवा से जो दुआएं मिलती है, हाँ, बाबा कहते हैं सेवा करने से क्या प्राप्त होता है? खुशी प्राप्त होती है, प्रगति होती है, अनेक फायदे हैं सेवा करने के, परंतु सबसे ऊंचे ते ऊंचा फायदा, बाबा कहते हैं सेवा से दुआएं मिलती है, तो जो दुआएं मिलती हैं वो दुआएं ही तंदुरुस्ती का आधार है। हाँ, जितनी दुआएं इकट्ठी करेंगे उतनी हमारी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।